नमस्कार, आज मैं आपको पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के बारे में बता रही हूँ कि हम खड़े होकर, मैंने कुछ पिछले एपिसोड में खड़े होकर किए जाने वाले आसन बताए, फिर बैठ कर किए जाने वाले आसन बताए, अब आज तीसरे एपिसोड में मैं पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन बता रही हूँ। आसनों से हमारे इंटरनल ऑर्गेन जो है हेल्दी रहते हैं। जब भी हम आसन बनाते हैं तो शरीर का कोई ना कोई भाग खिंचता है या दबता है, उसके बाद वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ता है। उस दबाव से इंटरनल एक मसाज सी होती है जिससे इंटरनल ऑर्गन हेल्दी होते हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन तो हेल्दी होते ही हैं, इसका माइंड के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है, मस्तिष्क और साथ साथ तंत्रिका तंत्र पर। आज मैं जो पेट के बल लेट के आसन बता रही हूँ, ये आसन सभी को, चाहे आप दो आसन करें, तीन आसन करें, जरूर करें। ये बहुत अधिक आपको बेनिफिट्स देंगे, क्योंकि जब हम पेट के बल लेटते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम भुजंग आसन करते हैं। भुजंग आसन में जब भी आप परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्रंक है वो बिल्कुल ऊपर, सीना ऊपर की ओर उठ जाता है, खिंच जाता है, जिससे लंग्स खुलते हैं, लंग्स हेल्दी होते हैं और आपकी स्पाइन जो है पीछे की ओर मुड़ने से, क्योंकि हम हर काम तो आगे झुक के करते हैं, इसी पोज में आपकी स्पाइन पीछे जाती है। पीछे की ओर मुड़ने से वहाँ का सारी जितनी टेंशन है, तनाव है, वो दूर होता है। पीठ कमर दर्द से बचाव है, लंग्स हेल्दी होने से सांसों की समस्या से छुटकारा है, पेट कम होता है, पेट खिंचता है इससे, और पैल्विक मसल स्ट्रांग होने से पीसीओडी, पीसीओएस से या पीरियड संबंधी प्रॉब्लम से भी बचाव होता है। तो आपने देखा कि एक एक आसन कितनी तरह से आपको लाभ पहुंचाते हैं। अब मैं आपको आसन करके दिखाती हूँ और बीच बीच में उसके बारे में बताती चलूंगी। सबसे पहले पेट के बल लेट कर किए जाने वाला भुजंग आसन। इसे पेट के बल लेट के जो आसन करते हैं उसे प्रोन पोज कहते हैं। स्टैंडिंग पोज, सिटिंग पोज, प्रोन पोज, और जब मैं पीठ के बल लेट के करूंगी तो स्पाइन पोज। तो आज मैं आपको प्रोन पोज के बारे में बता रही हूँ। इसमें हथेली को अपनी पसलियों के पास शरीर से सटा के रखना है। आप कितना उठ सकते हैं ये आपकी अपनी है, आप देख लीजिए आपकी जितनी क्षमता हो, पर जबरदस्ती शरीर के साथ ना करें। मैं जैसे आराम से सांस भरते हुए पूरा उठ जाती हूँ, मतलब एल्बो सीधे होने तक, बहुत से लोग यहीं तक उठ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, इतना उठे उठे जरूर, क्योंकि लाभ तो इसमें भी उनको मिलेगा। सांस भरते हुए सीधे उठे, आंखें बंद, गर्दन पीछे, अब लंबी गहरी सांस भरे छोड़े, लगातार सांस के ऊपर फोकस, सांस भरते रहे सांस छोड़ते रहे। आप इसमें आराम से 1 से 2 मिनट रुक सकते हैं। ये पोज आपको कोई भी बनाते समय शरीर में तकलीफ नहीं होती है, आपके पीठ दर्द से, कमर दर्द से, सर्वाइकल से, सब में इसमें आराम मिलता है। इवन देखिए, आप पेट की मसल्स खींच रही हैं, पेट का फैट जाएगा, पैल्विक मसल्स खींच रही है, लंग्स पूरा खुला हुआ है, तो इससे आप देखिए सांसों की समस्या में भी छुटकारा है। और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये था स्नेक पोज या भुजंगासन। भुजंगासन और भी कई तरीके से होता है, मैं आपको एक दो तरीका और बता देती हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। देखिए, आप ऐसे लेट गए और ऐसे हथेलियों को अपने कंधे के पास मोड़ के उठा लिया है, पांव आपके जमीन पर है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये भी भुजंगासन का ही रूप है, ये आपके सर्वाइकल बोन को हेल्दी रखता है। और इसी के साथ एक भुजंगासन है जिसमें आप फिंगर्स को पीछे इंटरलॉक करके ट्रंक रेज करेंगे। सांस भरते हुए आप कितनी देर रुक सकते हैं ये आपकी क्षमता है, आधा मिनट से 1 मिनट तो आसानी से रुक सकते हैं। और इतना रुकने के बाद फिर ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाना।
अभी मैंने भुजंग आसन के आपको दो तीन प्रकार बताए, आप किस जिस तरह से कर सके करें, करेंगे तो आप इसका लाभ जरूर मिलेगा आपको। इसके बाद मैं दूसरा पोज बता रही हूँ, जब हम आगे का पार्ट उठाते हैं योग के अंदर तो हमको पिछला पार्ट इसका उपासन के रूप में करना रहता है, वो है शलभासन। कमर दर्द वालों को एक एक पांव से करना है, ऐसे सांस भरी और अब नॉर्मल ब्रीदिंग और एक मिनट रुकने के बाद पैरों को ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आए और रिलैक्स हो गए और दोबारा दूसरे पांव को ऐसे ही सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाया, आंखें बंद चिन जमीन पर और यहां भी आप आधा से एक मिनट रुकने के बाद पैरों को नीचे ले आए। और जिन्हें कमर दर्द नहीं है वो दोनों पांव उठाए, रिलैक्स। ये हार्ट और बीपी के लिए भी लाभदायक है और साइटिका का तो है ही उपचार, और इसके रोज के अभ्यास से साइटिका के दर्द से बचे रह सकते हैं, हर तरह के कमर दर्द में आराम है। लेकिन हाँ, कमर दर्द जब है तो एक एक पांव उठाएंगे बारी बारी से। और अब इसके बाद अभी हमने अगला पार्ट उठाया, फिर पिछला पार्ट उठाया, अब दोनों पार्ट को उठाएंगे धनुरासन। आंखें बंद, चेहरा तनाव मुक्त, लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े, लगातार सांस पर फोकस, स्माइलिंग फेस, कोई चेहरे पर तनाव नहीं। आप कितनी देर रुक सकते हैं ये आपकी अपनी क्षमता है, जो लोग रुकते हैं आराम से एक मिनट तक दो मिनट तक रुक लेते हैं और उसके बाद रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब भी हम आसन करते हैं तो एक बार शरीर पर तनाव आता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होकर वो अंग और ज्यादा हेल्दी हो जाता है। तो आपने देखा कितना सरल था पेट के बल वाले मुख्य रूप से तीन पोज है, आप इसमें वेरिएशन करके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे स्नेक माउंटेन है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। स्नेक ये कैलोरी बर्न करता है ताकि कमर को भी हेल्दी रखता है, शरीर के जिस जिस हिस्से में खिंचाव पड़ता है उन सभी हिस्सों को हेल्दी रखेगा, चाहे शोल्डर हो चाहे काफ मसल्स हो। ब्रीद आउट ब्रीद इन। इसके अलावा इसमें ऐसे भी होता है शशांकासन भुजंगासन, शशांकासन भुजंगासन, ये सब कमर दर्द में लाभ पहुंचाते हैं। तो मैंने आपको बहुत थोड़े से आसन बताए, इन आसनों का रोज उपयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और वेट को भी कम कर सकते हैं। इनसे संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और खुद इनका अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।